बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग देखें तो अच्छे बुलिश नोट पे हुई है, लेकिन एक तरह सा थोड़ा सा मैं आपके साथ जरा वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर कर लूं। इसमें देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी डिक्रीज हुआ था, तकरीबन 300 400 के करीब, 480 करीब बिलियन रुपीस डिक्रीज हुए थे। अच्छा, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम भी कम इंक्रीज हुआ है। अगर ये देखें तो इस कैंडल में, बेरिश कैंडल में 951 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और इस वीक में जो है 939 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। और इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन भी यहाँ पे तकरीबन 480 बिलियन रुपीज का डिक्रीज हुआ था और यहाँ पे इंक्रीज जो है 300 समथिंग है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको देखें तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है लेवल्स के। अगर देखें तो यहाँ पे देखें ना, इसकी ओपनिंग हुई थी 62,444 पे और क्लोजिंग जो हुई थी उसकी 59,800 पे हुई थी। इसी तरह इसकी जो ओपनिंग है वो 59,440 पे हुई है और क्लोजिंग जो है 62,800 पे हुई है। स्प्रेड ज्यादा है लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना इसमें डिक्रीज हुआ था और वॉल्यूम भी इतना नहीं हुआ है जितना इसमें वॉल्यूम हुआ था इस कैंडल पे, बेरिश कैंडल में। ऑल दो साइंस आर वेरी गुड, इंडिकेशन अच्छी है, हो सकता है आगे जाके वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाए और ऑब्वियसली इंशाल्लाह 9 ट्रिलियन वापस आ गया है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। 9 ट्रिलियन मेंटेन किया हुआ इस वीक में देखें तो, अगर इसको मेंटेन करता है या ऐसे इंक्रीज होता है तो हम मजीद मार्केट में अपसाइड देख सकते हैं। तो ये तो हो गए, थोड़ा मैंने आपको उसको फंडामेंटली बता दिया है। टेक्निकली मैंने आपको ये सबसे जो है इस वक्त जो है ट्रेंड लाइन मैंने आपको अपसाइड और लोअर साइड पे बना के दिखाया था, ये वाला, ठीक है। एक यहां से मैंने डाउन साइड से लिया था अपर बैंड इसका ट्रायंगल का और ये लोअर साइड मैंने ट्रायंगल के लिए थी, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था और मैंने कहा भी था कि देखें यहाँ पे ये एरिया जो है, ये दो दफे रीटेस्ट हुआ है, अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा था ये वाले कैंडल का। मैं देख लू इसका वीक ले लें हम, ठीक है ना, या इसकी हम ये ओपनिंग ले लेते ये वाली कैंडल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इसने ओपन हुआ था इस वीक में, ये 61,500-61,600 ये वाला, इसको मैं जो है ग्रीन कलर दे देता हूँ क्योंकि अब ये वैसे तो पहले मैं रेड दे रहा था इसको, लेकिन अब ग्रीन दूंगा, ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। 61,500-600-588, आप 61,500 से लेकर 700 तक का समझ ले दरमिया, ये लेवल जो है -1-200 होता रहता है, तो बहरहाल 61,600, ठीक है, ये समझ लें 61,700 टू बी ऑन द सेफ साइड। अगर ये मेंटेन करता है तो मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, प्लस अब यहाँ पर देखिए सीपीआर अपर साइड पे श्रिंक हो रहा है, लोअर साइड, ये एक जो लोअर बैंड है ये काफी नीचे आ गया है, तो ये एक तो इंडिकेशन कर सकता है कि भाई यहाँ पे अगर ये इसके बीच में चल सकता है, एक तो इंडिकेशन ये है कि इसी के बीच में ये परफॉर्म कर सकता है बिटवीन 63,000-60,600, ठीक है, या फिर इसको, यहाँ पे देखिए अपर साइड पे थोड़ा श्रिंक हो रहा है, या फिर ये अगर इसको ब्रेकआउट करता है 64,300, ठीक है, मैंने एटलीस्ट बोला हुआ 64,000, अगर ये मेंटेन करता है तो 64,300 या अपर बैंड होगा सीपीआर का, और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मजीद इसमें हम अपसाइड देख सकते हैं विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वॉल्यूम्स बोथ, ये जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें इसको हिस्टोग्राम भी देख लें इसका, देखिए रेड की तरफ है, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल तो फॉर्म हुई है, ठीक है, लेकिन इसका जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम है वो रेड की तरफ है, दैट मींस कि अभी इसमें इसकी इंडिकेशन अभी कंफर्म नहीं हुई है इसकी, देखे ना, इसको निगेट, इसको कंफर्मेशन जब होती, मैंने आपको लास्ट वीक में भी कहा था कि इसके नीचे एक और बेरिश कैंडल होती इस वीक में तो फिर मार्केट मजीद डाउन सेट की तरफ जा सकती थी, लेकिन इसको निगेट किया है एक बुलिश कैंडल ने, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे आपको डाइवर्जन बताएं, इसके वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाइवर्जेंस है और हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस है, दैट मींस के हो सकता है कि यहाँ पे ये आपको फेक आउट दे के वापस नीचे आ जाए, जिस तरह यहाँ का फेक आउट हुआ था, इसको हम फेक आउट कहेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं समझाने के लिए टेक्निकली कि हमने ये ट्रायंगल बनाया था और ट्रायंगल उस सूरत में बन रहा था जब ये हमने रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ट्रेंड लाइन थी ये,
और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी। तो सिमेट्रिकल में हमेशा ये होता है कि ब्रेकआउट देखना चाहिए। अच्छा मैं आपको अभी और भी टेक्निकल बता दूं, मुझसे पर्सनली बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि भाई ये सिमेट्रिकल बन रहा है या असेंडिंग ट्रायंगल बनता है या डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है, फॉलिंग वेज हो या राइजिंग वेज हो, तो ये आपको पैटर्न नजर आते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि राइजिंग वेज बनता है तो बेरिश पैटर्न होता है, फॉलिंग वेज बनता है तो बुलिश पैटर्न होता है। लेकिन देखिए हमेशा याद रखें, धोखे में ना आए, कभी फेक आउट भी हो जाता है। तो अब इसमें ये होता है कि इसकी कंफर्मेशन जरूरी होती है, कोई भी हो कोई भी हो। सब चीज जो मेन है इंपॉर्टेंट वो ट्रेंड लाइन है। वो ट्रेंड लाइन कोई भी आपका पैटर्न बनाए, कोई भी शेप बनाए, ठीक है। जरूरी ये होता है कि जो उसकी मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट मिलता है तो आप थोड़ा वेट करें, इसकी कंफर्मेशन देखें या इसकी निगेशन देखें विद कंफर्मेशन अगेन, ठीक है। ये आपको जो है अपना इंडिकेशन मिल गई, इंडिकेशन के बाद इसकी कंफर्मेशन या निगेशन, फिर इसकी इस निगेशन की कंफर्मेशन होगी अगली बुलिश कैंडल के साथ। अगर यहाँ कोई डोजी बनता है इस साइड पे, अपर साइड पे 64,000 के करीब, ये यहाँ पे इसका अगला ब्रेकआउट है 63,000, मैंने आपको पहले बोला था पहला ब्रेकआउट है तो इसके करीब करीब ही है, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाता है अगला ब्रेकआउट फिर ये है, तो यहाँ कहीं देखें जिस तरह यहाँ पे डोजी बना था तो कोई डोजी बन सकता है, फिर उसकी कंफर्मेशन बुलिश या कोई बेरिश कैंडल कर सकती है। जिस तरह मैं आपको मैं डेली के हिसाब से बता दूं कि डेली में देखें यहाँ पे एक डोजी बना, इसकी निगेशन हुई, इसकी कंफर्मेशन हुई, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड पे अभी मूवमेंट दिखा रही है। अच्छा इसमें भी आपके साथ मैं शेयर कर दूं कि ये यहाँ पे क्रॉस ओवर अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा मैं आपको ये MACD बता दूं, ठीक है ना। यहाँ पे अपसाइड पे आई मार्केट, तो ये अपसाइड पे आया, क्रॉस ओवर नहीं हुआ इसका रेड का। इस वक्त ये आया है रेड के करीब और यहाँ पे इंडिकेशन थोड़ी सी मिल रही है, लेकिन हो सकता है अगली कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर ये वापस रेड की तरफ आ जाए हिस्टोग्राफ। तो अभी क्रॉस ओवर इसको हम कहेंगे नहीं, क्रॉस ओवर जब होगा इसको प्रॉपर क्रॉस कर जाएगा और ये वही इंडिकेशन होगी कि 64,000 के करीब अगर मार्केट आती है तो इसको हम डेली बेसिस, या समझे 63,000 के ऊपर भी परफॉर्म करती है, 63,500-63,600, तो ये इसका क्रॉसओवर कंप्लीट होगा तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। तो अभी भी आप देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, तो डेली पे भी देखें इस वक्त जो है ये वाला लेवल, मैंने आपसे कहा था ये वाला 62,900 बन रहा है, आप 63,000 समझ लें, 63,011 ये CPR का मिडिल बैंड भी है। अच्छा दूसरा देखें यहाँ पे ये गैप फिल भी कर सकता है और गैप फिल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल जो है 63,900, वही मैंने आपको कहा था 64,000, ठीक है ना। और यही जो है आपका ब्रेकआउट लेवल भी बन रहा है 64,000 के करीब, अगर इसको हम ले लें ये वाला लेवल 64,000 के लेवल बन रहा है 63,900, तो ये सेकंड ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ये ब्रेकआउट अच्छी बुलिश कैंडल के साथ करे, फिर अगली कैंडल जो है वो उसको निगेट या कंफर्म कर सकती है। अगर कंफर्म करे तो फिर आप एंट्री ले लें विद स्टॉप लॉस, तो मार्केट इसमें मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। तो चलिए आइए वापस वीकली की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको फिर मैं जूम इन कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अभी हम इस फिलहाल वीकली पे इसी को लेके चलेंगे क्योंकि ये वीकली पे CPR जो है ये अभी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाए, इसी के दरमियान मैंने पहले भी कहा कि मूव कर सकती है, इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई एक जैसे ये है एक बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है इस एरिया पे स्पेशली। इसको मैं मेरा कस्टमाइज कलर बुलिश कैंडल का येलो है तो मैं येलो दूंगा, इस तरह की कैंडल बनना बहुत जरूरी है, फिर इसकी कंफर्मेशन होती है तो मार्केट मजीद अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। ये वाली कैंडल, ठीक है, ये इसका कंफर्मेशन है और इस दरमियान जो है आपने सेल ही करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ टिल 64,300, यहां तक समझ लें, यहां तक 64,300 तक आपने सेल ही करना है, ठीक है। जिनको टाइम नहीं है या जिनका इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकल सीखने का, वो CPR के लेवल को बस जो है उसको जरूर मतलब अपने इसमें वॉच लिस्ट में रखें और इसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली काम करें। CPR के लेवल जो है वो आप जरूर नोट करके रखें, ठीक है, बस इतना कर लें आप जो ट्रेडर हैं, वो CPR के लेवल जो है वो नोट करके रख लें और इसी के अकॉर्डिंगली जो वो है वो काम कर सकते हैं। और डेली के हिसाब से भी मैं आपको जैसे मैंने बता दिया
ये इस वक्त ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा सा इसको जूम आउट दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको, मैं डेली वालों को ये भी बता देता हूँ कि इसको मेंटेन करते, ये जो है ना ये बड़ा खतरनाक है, ये इस तरह जा रहा है बगैर किसी करेक्शन के, ये वाला लेवल, इसको इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एग्जिट हो जाए। देखिए ये अभी तक तो जा रहा है, ये लाइन अगर ब्रेकआउट कर, इसका ब्रेक डाउन मिलता है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है, एटलीस्ट मैंने बता दिया 61,500 61,600 अगर इसको ब्रेक करके नीचे को बेरिश कैंडल बनती है तो इस वक्त फिर इसके बाद वापस आप साइड लाइन हो जाए और स्टॉप लॉस के साथ काम करें अगर करना है तो, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है इस तरह का जो है ट्रेंड लाइन बनना। डेली पे मैं बस आपसे बता रहा हूँ, अभी इसको मेंटेन कर रहा है लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये और भी नीचे आ जाए, इसको भी ब्रेक कर जाए, इवन जो इसका लो था 58,700 का, इसको भी ब्रेक कर सकता है डाउन साइड पे। तो ये बड़ा खतरनाक, ये जो बन रहा है पैटर्न, ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है, क्योंकि इसके बाद जो है इसने इसको निगेट किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कोई करेक्शन नहीं आई है और मार्केट अपसाइड जाती रही है। तो टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर जिन्होंने लॉन्ग पे जाना हो, लॉन्ग पोजिशन लेनी है, तो एटलीस्ट 64,000 जो है मेंटेन करना चाहिए, यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वॉल्यूम्स, ये याद रखिएगा। तो अभी मैंने पहले भी कहा था कि 64,000 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ है, 64,300 तक भी सेल ऑन स्ट्रेंथ है, 64,000 के ऊपर, चले मैं यहाँ बना देता हूँ, इसके ऊपर कोई कैंडल बनती है, फिर अगेन कोई इसके पर एक और ये कैंडल यहाँ बनती है अपसाइड पे, जिस तरह मैंने यहाँ बनाई थी, तो फिर ये मजीद मार्केट अपसाइड मूवमेंट दिखाएगी यहाँ से। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें और बाय ऑन, अभी भी मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, तीन जगह डाइवर्जेंस है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हिस्टोग्राम में डेली पे आप के साथ मैंने आपको बताया, मैंने सॉरी वीकली पे सॉरी इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर दूं, आपको बता दूं कि हिस्टोग्राम अभी यहाँ पे रेड है, ठीक है, जब तक ये ग्रीन पे नहीं आता है और उसका क्रॉस ओवर नहीं होता है, एटलीस्ट डेली पे मैंने आपको बताया अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, खाली इसको टच किया है, और जब तक वीकली का क्रॉस ओवर नहीं होता है तो आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ रखना है और बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, ट्रेडर्स के लिए यही है, जो लोअर साइड पे जिनका आरएसआई बहुत लो हो गया है उनको आप डाउन साइड पे बाय करें और अप साइड पे सेल करें विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते जाएं, मैंने तरीका बता दिया है, मिनिमम 2% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, जहां पे जिस भी सपोर्ट लेवल पे बाय करें उसके नीचे आप 2% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कर दें, और जो टेक्निकल समझते हैं वो ATR का ATR 1 पे आप जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।